सोनीपत सदर थाना पुलिस ने 31 जनवरी की रात ब्रजेश नाम के आईटीआई छात्र की हत्या के मामले में पर्दा उठाते हुए जींद के गांव रोजला निवासी तरुण और मृतक के गांव के ही सोनू नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 2 माह पहले शराब पीकर हुई कहा सुनी में ब्रजेश ने तरुण को थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने की नियत से हत्या की गई। उन्होंने साजिश के तहत ब्रजेश को घर से बुलाकर बाद में उसे शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया। उसके बाद उसका सिर सड़क पर पटक पटक कर अधमरा कर दिया। बाद में उसके शॉल से गला दबा दिया और उसके बाद उपलों के ढेर में ले जाकर उसे जला दिया था। इस मामले की जांच कर रहे सदर थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि गांव बागड़ू में आईटीआई के छात्र की हत्या के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को काबू किया है। वो मृतक के साथी हैं। 2 माह पहले हुई कहा सुनी की रंजिश में उन्होंने अपने साथी की हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा जिससे मृतक का मोबाइल व अन्य सबूत जुटाए जा सके। सोनीपत से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, तरुण और सोनू, जो इसके जो मरने वाला ब्रजेश भोला है इसके साथी थे और इनकी दारू पी के कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। ब्रजेश ने तरुण को थप्पड़ थप्पड़ मार दिया। उस रंजिश में तरुण ने अपने साथी सोनू के साथ मिलकर ब्रजेश की हत्या की। ये अभी पूछताछ जारी है, तफ्तीश में इनका पुलिस रिमांड लेकर सच्चाई का पता करेंगे और जो भी सच्चाई आई वो आपके सामने। आईटीआई का छात्र था और जो तरुण है ये साइकिल चलाता है, जो तमाशा दिखाते हैं ना वो साइकिल चलाता है, सोनू ड्राइवरी करता है। ये तरुण कहाँ का रहने वाला है? ये रोजला गांव है, जिला जींद में, तहसील सफीदों के पास, और इसके मामा है गांव बागड़ू में। अच्छा अच्छा, ये तीनों दोस्त हैं? हाँ, साथ रहते थे। कुछ पता चल, पहली प्रारंभिक पूछताछ में कुछ पता चल पाया हो कि उस दिन किस तरह से इन्होंने मारा, कैसे बटोरे में जो जलाया? मुझे भाई ने शराब पी के और जो पुरानी रंजिश को दिमाग में रखते हुए और इसको शराब पिला गए, इसकी हत्या करके इसे सबूत मिटाने के लिए बटोरे में डाल के जला दिया। मामला दर्ज किस चीज धारा के तहत मामला दर्ज किया था? इसमें 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाए? आज इसको कोर्ट में पेश करके और इनके पुलिस हिरासत रिमांड की मांग की जाएगी और जो सच्चाई का पता करा जाएगा और जो सबूत है उनको बरामद किया जाएगा।